गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खास खबरों की ओर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, बालाघाट इन्वेस्टमेंट पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान। कहा, मध्य प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश की हर सेगमेंट की इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में निवेश करें। निवेश पॉलिसी पर हम काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में निवेश करने वालों को योजनाओं का लाभ देते हैं। इन्वेस्टर मीट में अलग अलग सेगमेंट पर बातचीत हो रही है, उसमें मिलर्स भी शामिल है। दुष्कर्म पीड़िता का वीडियो सोशल मीडिया से नहीं हटाने पर राहुल गांधी को फेसबुक से मिला नोटिस। सारंग ने कहा, नेहरू परिवार हर समय से अनुशासनहीनता करता आया है। राहुल गांधी कभी स्कूल नहीं गए, न कभी अनुशासन का पाठ पढ़ा। राहुल गांधी चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, अनुशासन क्या होता है इसका ज्ञान नहीं है। अनुशासन क्या होता है इसका ज्ञान नहीं है। उनकी परवरिश साम्राज्यवादी सोच के साथ हुई है। वो ये मानते हैं कि उनके परिवार का इस देश पर राज है और इसीलिए उनके भाषण, उनका ट्वीट, उनकी बॉडी लैंग्वेज इस बात को दर्शाती है कि वो समाज से अपने आप को ऊपर मानते हैं। उनमें एक अलग तरह का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और इसीलिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हो जाए, आपका ट्विटर हैंडल बंद हो जाए, आपका फेसबुक पर दिक्कत आ जाए, ये अलग चीज़ है, पर सबसे बड़ी बात है कि आपने अपने कृत्य से संपूर्ण महिला जाति का अपमान किया है। आपने उस पीड़िता के और उसके परिजनों के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया है। राहुल जी, ये हठधर्मिता मत दिखाइए। हो सकता है आपके परिवार ने इस देश पर सालों तक राज किया हो, परंतु ये देश संविधान के तहत चलेगा। नियम और कायदे का पालन करना इस देश में हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है और जो हमारे कानून हैं, जिस कानून में ये दर्ज है कि किसी पीड़ित महिला की आइडेंटिटी को उजागर नहीं करना चाहिए, वो आपने किया, गलत कृत्य किया, अब आप उसको हटा तो लीजिए। पर ये राहुल बाबा हैं, इनको तो लगता है कि सब कुछ इनके अंडर में है, इनके नीचे है। वो राहुल गांधी जो अध्यादेश की कॉपी को फाड़ सकते हैं, उनसे अनुशासन, संयम और संविधान का पालन करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। एक सवाल सर ये है, जन आशीर्वाद यात्रा। अब दिग्विजय सिंह जी स्वयं तालीवाली मानसिकता के से ग्रसित हैं। कांग्रेसी हों या दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता हो, उन्होंने हर समय तालिबान को प्रक्षय देने और उनकी नीतियों का संरक्षण करने का प्रयास किया है। कांग्रेस ने हर समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हिंदुस्तान का नाम बदनाम हो या हमारा सम्मान कम हो, इसी पर प्रयास किया है। मुझे लगता है एक अंतर्राष्ट्रीय विषय जिस पर हमें संयम के साथ ही कुछ बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस विषय पर नहीं बोल रहा, क्योंकि ये सरकार का विषय है, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। इस पर हम कुछ भी टिप्पणी करेंगे तो उसका असर भारत के मान सम्मान या हमारी विदेश नीति पर पड़ सकता है। पर दिग्विजय सिंह जी को इससे क्या लेना देना? दिग्विजय सिंह जी को तो रोज़ मीडिया की सुर्खियों बनने से ही मतलब है। अब देखिए, नाचना आवे आंगन टेढ़ा, क्योंकि सिंधिया जी ने कांग्रेस को घुटने पर ला दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने यह स्थापित कर दिया है कि वो देशद्रोहियों के साथ नहीं रहेंगे और देश प्रेमियों के साथ वो आ गए हैं, इसलिए कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है। वो ऐशो आराम करने वाले कांग्रेसी जो भ्रष्टाचार के माध्यम से अपनी दुकानें चलाना चाहते थे, उनकी दुकानों को बंद करने का काम किया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, और इसलिए कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। पर कहावत है कि इस तरह किसी को कोसने से उसका नुकसान होता नहीं है, इसलिए कांग्रेसी कितना भी कोसते रहे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे नेता हैं और हमारे नेता के रूप में वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं।
मोदी सरकार में वो एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय को बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से चला रहे हैं। अब ऐसे कोसने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, निश्चित रूप से बाढ़ का कुप्रभाव हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत विपरीत असर पड़ा है। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं समीक्षा कर ये सुनिश्चित किया है कि हम हर तरह से बाढ़ पीड़ितों को भी उचित राहत देंगे। तो उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे सड़क हो, पुल हो, बाकी में जो दिक्कतें आई हैं उनको भी जल्द से जल्द मरम्मत की जाएगी। केंद्रीय दल आया था, मैं मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उन्होंने निश्चित रूप से समस्त हमारी जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का आकलन किया है। और प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार केंद्र सरकार से कम्युनिकेशन संवाद स्थापित किए हुए हैं, और बाढ़ पीड़ितों के मुआवजे को लेकर, उनकी राहत को लेकर तो हम काम कर ही रहे हैं। साथ साथ सड़क पर, पुल पर जो हानि हुई है उसको भी जल्द से जल्द मरम्मत की जाएगी। अब देखिए, कांग्रेस से आप अनुशासन की और मर्यादा की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? कांग्रेस को तो केवल बिलो द बेल्ट बात करने की आदत है। ये कांग्रेस के नेताओं की परिपाटी रही है, ये कांग्रेस के नेताओं की परंपरा है। अब वो पार्टी जो हिंदुस्तान की संस्कृति को अपनाने में शर्म करती हो और इटली की संस्कृति को आत्मसात करती हो, उससे अनुशासन और मर्यादा की अपेक्षा आप नहीं कर सकते। ये कांग्रेस हिंदुस्तान की कांग्रेस नहीं है, ये इटली की कांग्रेस है। और इटली की महारानी जो सिखा रही है वही कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं।